हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है MySirG.com के इस चैनल पे, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम 31st प्रोग्राम देख रहे हैं सी लैंग्वेज का। आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या खास है। ये रहा आज का प्रोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर मैंने पॉइंटर बनाया हुआ है, पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस रखा हुआ है, प्रिंट करा रहा हूँ कुछ। आप इसको स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आराम से देखिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, और फाइनली जब आपका आउटपुट आ जाए तो उसके बाद फिर आप वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरी वेबसाइट को एक्सेस नहीं किया है तो आप देखिए, आपको सिंपली लिखना है MySirG.com और आप पहुंच जाएंगे मेरी वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ऊपर एक मेनू बार है जहां पर आपको कई सारा कंटेंट मिलता है। अगर आपको कोई भी कोर्स सीखना है तो उस कोर्स की लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी वीडियो कोर्सेज में। और अगर आप चाहते हैं कि इन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप प्रोग्रामिंग भी कर सकें तो उस प्रोग्रामिंग के लिस्ट और एग्जाम्पल्स आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल वाले सेक्शन में दिखेंगे। और लाइव सेशंस भी लेता हूं जिसमें आपसे इंटरेक्ट करता हूं और आपके सवालों के जवाब भी देता हूं। तो ये लाइव सेशंस आपको यहाँ लाइव सेशन में मिलेंगे और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट भी यहाँ पर मिलेगा, एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर शॉप करके भी एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप बहुत सारे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप चैनल्स की लिस्ट भी यहाँ से ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी चैनल पे जाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं, आप सीधे उस यूट्यूब के चैनल पे चले जाएंगे जो मेरा चैनल है। ये रहा मेरा चैनल जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो बना हुआ है, और यहां पर आपको मेरे वीडियोस की लिस्ट भी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे वीडियोस की लिस्ट है, सब्सक्राइबर्स के बारे में जानकारी मिल रही है। यहीं साइट को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास न्यूज़लेटर्स आते हैं जिसमें कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी होती है तो वो मैं यहां पर दे पाता हूं। और ये सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि यूट्यूब पे जब मैं कोई वीडियो पब्लिश करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो पॉइंटर बनाया जा रहा है वो पॉइंटर इंट पॉइंटर नहीं है बल्कि वॉइड पॉइंटर है। आपको ये समझना होगा कि वॉइड पॉइंटर क्या होता है। हमें ये मालूम है कि जिस टाइप का पॉइंटर होता है, पॉइंटर उसी टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करता है। यानी अगर इंट टाइप का पॉइंटर होगा तो वो इंट वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा। तो कायदे से जो एक्स वेरिएबल आपने बनाया है वो इंट टाइप का वेरिएबल है, तो इसका एड्रेस मान लीजिए 1000 है, तो इसको स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर भी इंट टाइप का बनाना चाहिए था। अगर इंट टाइप का पॉइंटर हम बनाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, कोई एरर नहीं आती। पर फिलहाल इस प्रोग्राम में आ रही है एरर। एरर की वजह यह है कि जब आप पॉइंटर किसी और टाइप का बनाते हैं और वेरिएबल किसी और टाइप का बनाते हैं तो आप सी लैंग्वेज में जब इनकम्पैटिबल टाइप के बीच में ऑपरेशन करते हैं तो वार्निंग आती है, एरर नहीं आती। हालांकि यही कोड अगर C++ में लिखा जाए तो एरर आएगी। तो असाइनमेंट के राइट साइड पे देखिए एड्रेस ऑफ एक्स लिखा हुआ है जो कि इंट ब्लॉक का एड्रेस है, जबकि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो पी पॉइंटर है वो वॉइड टाइप का पॉइंटर है। वॉइड पॉइंटर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंटर जो किसी भी टाइप के ब्लॉक का एड्रेस कंटेन कर सकता है, लेकिन जब हम उस वेरिएबल को पॉइंटर की मदद से एक्सेस करेंगे तब प्रॉब्लम होगी। यानी जब हमने लिखा है स्टार पी, तो नॉर्मली क्या होता है, पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगा देते हैं ये वो ब्लॉक बन जाता है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यानी कि एक्स। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा क्योंकि पॉइंटर का टाइप क्लियर नहीं है, पॉइंटर किस टाइप के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है ये क्लियर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एरर ना दे तो आपको पहले इसका टाइप कास्ट करना होगा, यानी पी जो कि 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि ये किस टाइप के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए नहीं पता चल रहा कि आगे कितनी और बाइट्स हैं। देखिए, पॉइंटर तो केवल बेस एड्रेस को कंटेन करता है। अब ये जो एक्स वेरिएबल है ये बेसिकली 4 bytes का है, तो 1000 तो केवल पहली बाइट का एड्रेस होगा। 1001, 1002, 1003 ऐसे करके 4 addresses होंगे इसके। तो एक्स वेरिएबल में 4 addresses हैं लेकिन केवल बेस एड्रेस ही पॉइंटर रख रहा है। तो जब पॉइंटर की मदद से इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो पॉइंटर को कैसे पता चलेगा कि आगे और कितनी बाइट्स तक मुझे एक्सेस करना है। इसीलिए पॉइंटर का टाइप इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर इंट टाइप का है, इसका मतलब इंट ब्लॉक का बेस एड्रेस रख रहा है, तो आगे 3 और byte होंगी। अगर पॉइंटर डबल टाइप का है तो फिर 7 और addresses उसके बाद होने चाहिए।
लेकिन पॉइंटर क्योंकि void टाइप का है तो ये पता नहीं है कि आगे और कितने एड्रेसेस होने चाहिए। हमने इसीलिए इसको टाइपकास्ट किया। टाइपकास्ट करने के लिए इसके पहले पैरेंथेसिस लगा देते हैं और जिस टाइप में इसे कास्ट करना है वो लिख देते हैं, इंट स्टार। यानी मैं पी में रखी वैल्यू जो कि 1000 है उसे इंट ब्लॉक का एड्रेस बना रहा हूँ और उसके बाद मैं इस पूरे पे स्टार लगा देता हूँ। तो जो रिजल्ट आया वो 1000 ही है लेकिन उसे इंट ब्लॉक का एड्रेस माना जा रहा है। उसके बाद आप डी रेफरेंसिंग करेंगे तो वो एक्स वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा और रिजल्ट सही आ जाएगा। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। पहले तो मैं बता रहा हूँ एरर आ रही है और फिर ये टाइप कास्टिंग करके हम इस एरर को दूर भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल एरर आनी चाहिए। हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है, एरर की वजह वही है। अगर यहाँ पर हम सुधार करें तो हमें लिखना पड़ेगा इंट स्टार। देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है इंट स्टार लिखने से। पी जो है अब इंट ब्लॉक के एड्रेस के रूप में कंसिडर हो रहा है और बिल्कुल प्रोग्राम रन कर गया है और आउटपुट भी आ रहा है 5 जो कि बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि जब भी void पॉइंटर हम यूज करते हैं तो हमें टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और कुछ कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। और आपके कोई भी डाउट है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी करिए।